टिकट चेक इन हो रहा है। पकड़ ले बेटा। सगड़ा फोर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर का कुछ माजरा इस तरह का। ओह माय गॉड, कितना भीड़ है। बात है, ये तो टूरिस्ट प्लेस भी है ना, ज्यादातर यहाँ पे फॉरेनर सभी देख रहे हैं। एकदम मस्त 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 भाई, जाना कहाँ है हमको। तो अभी रिक्शा मिल गया है, जा रहे हैं कैंट, क्योंकि वहीं से ट्रेन होगा 2 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ से हमको लगा पहले यहीं से था, लेकिन पता नहीं यहाँ वाला जो था वो कैंसिल हो गया, फिर वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से है तो 2 घंटा लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में, जाम इतना लग गया है ना, देख रहे हैं पूरा आगरा फोर्ट यही है। सोच रहे कि शाम तक घूम ले, लेकिन फ्राइडे है तो सब बंद ही रहता है आज के दिन। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम भी आएंगे तो घूमा जाएगा। भैया भैया कैंट के पास में अब आ ही गए हैं, क्योंकि यार शहर से लेकर के आ गया था ना, ऐसे तो था 6 ही किलोमीटर, लग गया है आधा पौन घंटे। सामने हावनी देख रहे हैं ना, झंडा देखिए, वाह क्या बात है, मजा आ जाता है। लेकिन देश की आन बान शान, यही रहा अपना आगरा कैंट। देश के हर एक कोने के लिए यहाँ से ट्रेन खुलती है, देख रहे हैं ना, मतलब मेन यही है। वाह, आई लव आगरा, क्या बात। अब ट्रेंड बन गया पटना में, तो आई लव पटना, आई लव बीकानेर, आई लव जयपुर, पीछे क्या लिखा हुआ, आई लव आगरा, है ना। सब जगह का अलग अलग माजरा है भाई, आगरा आगरा आगरा। से तो पास में ही है, 2-2.5 घंटा लगता है, तो जनरल टिकट ले लिए, 60 रुपये का टिकट यहाँ से है ग्वालियर का, ठीक है भाई। धूप इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि कहाँ बताएं एकदम। चलते हैं हम अंदर प्लेटफॉर्म पे, बैठल जाएगा 1.5 घंटा अपना, ताकि सब ठीक ठाक एकदम, है ना। देख रहे हैं विनोद आगरा पहुँच गए, आ गया ना। ट्रेन है 2:10 पे, अभी तो 1 भी नहीं बजा है, 1:15 हो रहा है, तो 1.5 घंटा भी रुकना है। एकदम पूरा साफ सुथरा माहौल है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा स्टेशन है ये। फिजी मिलता है, शहर चेंज का मतलब सब कुछ चेंज होने लगता है, उधर फिजी मिलता है, इधर फिजी है, फिजी फिजी भाई, ऐसा है ये। ट्रेन का टाइम बढ़ते जा रहा है, 2 बजे से अब 2:30 हो गया, पता नहीं कब आएगा, नहीं है एकदम, 2:30 बज गया, 2:25 तो वैसे भी हो गया, बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं विनोद। फाइनली ट्रेन आ गई, 45 मिनट ट्रेन लेट चल रही है, झेलम एक्सप्रेस, तो झेलम एक्सप्रेस साफ साफ झेला दिया, तो साउंड आ रहा है ना, देख रहे हैं।
बाप रे यार, इधर ट्रेन कोई भी बोगी हो सब लोकल बन गया था। इतना ज्यादा भीड़ था ना कि क्या बता, बहुत ज्यादा भीड़ था एकदम। लोकल लोग सब चढ़ जाता है ना, अभी का जो समय ही ऐसा था, बहुत ज्यादा भीड़ लोग उतरा है पूरा एकदम, कचम कुछ हो जाता है एकदम। सब दो स्टेशन तीन स्टेशन उतरने वाला, देखो ग्वालियर झेलम एक्सप्रेस ससुरी के झेला दिया है एकदम, बाप रे बाप, सही में झेला दिया है इतना ज्यादा झेलाया है ना कि कहा बताए, भयानक। लोकल लोग सब इतना चढ़ जाता है ना, मतलब अजीब उमस टाइप का आ रहा था, ठीक है, सब आधा घंटा एक घंटा के लिए उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। और लोकल लोग को बोल भी नहीं ना सकते हैं, दिन का समय है, जाने दो यार। लेकिन 5 बज गए एकदम, ट्रेन वैसे ही 1 घंटा लेट था। कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं कि थोड़ा सा मूड हो जाए फ्रेश, पता नहीं बहुत साउंड आ रहा है जी, हो रहा है क्या इधर। सोचते कि डॉर्मेट्री में कहीं मिल जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला 5 घंटा से ज़्यादा का देंगे नहीं, हमको कम से कम रुकना है रात भर, हम आधा रात में कहाँ जाएंगे। चलते हैं बाहर कोई होटल देखते हैं यार पहले, उसके बाद ही कोई काम होगा एकदम, नहाएंगे थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा एकदम तब। यहाँ तो कोई उपाय खत्म हो गया, चलिए आउट ऑफ स्टेशन आ गया एकदम, देखते हैं होटल वोटल किधर है भाई, इधर मिल जा मिल जा मिल जा भगवान जी मिल जा। हाँ लेकिन अब है थोड़ा सा खुला खुला में आ, कैसे ही मन थोड़ा सा रिलैक्स यार, अजीबे मतलब ऐसा था ना कि उतर भी नहीं सकते थे साला, इतना भीड़ था ना, सब लोकल लोग के चलते हो गया था। बैकग्राउंड में कितना अच्छा है एकदम, देख रहे हैं आन बान शान से तिरंगा झंडा एकदम फहर रहा है। बाहर निकले तो कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे है पेंटालून वगैरह, ये ड्यूटी कर रहे हैं अपना, इसको देख लीजिए एकदम खतरनाक। देखते हैं पता नहीं होटल सब है किधर, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे चल के भी देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए, है ना। ऑटो नंबर से मिलती है, लोकेशन से नहीं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर देखो पे 2 नंबर है ना, 2 नंबर तो ये जाएगी शायद 30 पुल, ये 2 नंबर ऑटो है जो कि 30 पुल जाएगी, वहीं पे हमको होटल भी मिल जाएगा। आज जाना भी हमको 30 पुल में ही है ना, यहाँ से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर फार फ्रॉम जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन है ना वहीं से, देखते हैं जल्दी मिल जाए खाली वहाँ पे। ट्रैफिक एकदम तगड़ा वाला है, देख रहे हैं ऐसी सही भी होता है, जाम से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है, ट्रैफिक कंट्रोल एकदम होते रहे। आगे एकदम सब रुका हुआ भी है ना, निकल गया निकल गया निकल गया भाई, ये भी निकल गया। पूरी में तो मैं आ गया हूँ यार, यहाँ पे तो कुछ इधर लग ही नहीं रहा है, हो सकता है अभी हम मुझे साइड में कहीं उतार, फल फूल का शॉप वगैरह है एकदम पूरा, देख रहे हैं ना इधर ही बोला है कहीं पे सामने है ना, मुझे स्टेशन साइड में ही रुक जाना चाहिए था क्योंकि उधर तो बहुत सारा होटल था, लेकिन हमको सब बोला है कि जाइए इस लोकेशन में भी मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी तो एक भी नहीं दिखा, हो सकता है कहीं रेयरली एगो दो मिल जाए, देखते हैं पहले और पसंद आ जाए, सबसे पहली बात तो ये है। तियापा कटवा दिया शाला इधर, मतलब इधर मतलब होटल रेयरली है, ठीक है, और मतलब उतना ज़्यादा ये है भी नहीं, फिर से हमको लगता है स्टेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा है ना, क्योंकि उधर ही बहुत सारा है, पता नहीं है फिर से जाते हैं स्टेशन पे ही, चलिए कोई बात नहीं इधर घूम लिए।